हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डेंट स्टूडेंट इंग्लिश लेसन नंबर वन दैट इज पाट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सो स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया है सो so एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से जरूर देख लेना उसे फिर उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे जो भी दिया गया है सो so पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन तो आपको अच्छे से पोएम को पढ़ना है और उसमें जो भी रैमिंग वर्ड है वो भी आपको देखना है सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इस तरीके से दिया गया है और पास्ट में क्या बोला गया है पोयम में वो आपको मैच करना है प्रॉपर सो so यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी दे दिया है तो वो आपको मैच करना है तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मैच करके मैंने यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए मैंने इसका आंसर करके दिया हुआ है यहाँ पर पास्ट में क्या आएगा अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग और किससे मैच करना है इसे अ प्लीजेंट टाइम विच हैज़ एंडेड सेकेंड में क्या है प्रजेंट टाइम में अ ग्रीन एंड फ्लॉरी स्प्रे वेयर अंग बर्ड सीट्स अ फुल टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ तो ये अ ग्रीन एंड फ्लॉरी को इससे मैच करना है अ टाइम फुल ऑफ लाइफ फ्यूचर में क्या दिया गया है द फ्यूचर अट अ सी बिनीथ अ क्लाउडलेस सी और किससे मैच करना है इसे एंड एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज़ नो इन सो यहाँ पर इधर उधर दिया है उसको आपको बराबर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग बताना है आपको बहुत ही सिंपल है दी तो हमने पोएम में देखा था ना यहाँ पे दी था टी एच डबल ई सो so यहाँ पे देखिए यहाँ पे था दी टी एच डबल ई सो इसका मतलब क्या होता है यू मोन फुली मोन फुली का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था मोन फुली का मतलब क्या होता हैविंग अ सॉरोफुल फीलिंग मोन फुली मतलब उदासी सॉरोफुल उदास स्प्रे का मतलब स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री बियरिंग फ्लावर्स मतलब स्मॉल ब्रांच जो सा, शाखाएं होती हैं पेड़ों की उस पर पूरा फ्लावर से पूरा फ्लावर सोज पे ठीक है फ्लावर सोज पे माइटी मतलब पावरफुल हमें पता है ताकतवर राइट दी एडजेक्टिव दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवनिंग को क्या यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है एडजेक्टिव का मतलब जो जैसे कि उसके पहले लगाया हुआ हो जैसे सॉफ्ट एंड माइल्ड सॉफ्ट इवनिंग को कैसा बताया गया था सॉफ्ट एंड माइल्ड यहाँ पे देखिए यहाँ पे इवनिंग को कैसे बताया गया है यहाँ पे जस्ट मिनट ओके देखिए यहाँ पे इवनिंग को बताया है सॉफ्ट एंड माइल्ड देखिए एंड ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड इवनिंग कैसा बताया गया यहाँ पे सॉफ्ट एंड माइल्ड सो ये एडजेक्टिव है ठीक है एडजेक्टिव लगाया गया है इवनिंग के इवनिंग के लिए सॉफ्ट एंड माइल्ड स्प्रे स्प्रे को किस तरीके से एडजेक्टिव दिया गया है सो ग्रीन एंड फ्लावरी सी सी का एडजेक्टिव क्या है माइटी ग्लोरियस डैजलिंग ये तीनों दिया गया है यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों यहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है सी को माइटी ग्लोरियस एंड डैजलिंग सी ठीक है ताकतवर ग्लोरियस एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन लाइन अबाउट ईच वन ऑफ द ईच जस्ट मिनट ओके राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम सो विंड इन द ऑटम इवनिंग सो क्या लिखा गया था वहाँ पे एक लाइन में आपको पोएम में से ही देख के लिखना है सो so, आप पोएम में भी देख सकते हो विंड साइज मोन फुली इन सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोएम में विंड इन ऑटम इवनिंग सो विंड साइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सो so, यहाँ पे इवनिंग के इवनिंग वाला हम देखते हैं यहाँ पे एंड ऑट इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज मोनफुली ठीक है सो so, इस तरीके से आपको ये लिखना है और क्या है यहाँ पे पोएम में से ही आपको लिखना है कुछ भी टफ नहीं है ये यंग बर्ड ऑन द स्प्रे सो यंग बर्ड सीट ऑन द स्प्रे गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे ये भी आपके पोएम में ही दिया गया है द सी द सी इज़ माई टी ग्लोरियस एंड डैजलिंग एंड हैज़ ट्रेसड इन टू इन्फाइनिटी सो ये भी पोएम में दिया हुआ है लैंग्वेज स्टडी इसमें थोड़ा सा ग्रामर आपको दिया गया है ग्रामर में किस तरीके से मतलब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दिया गया है पढ़ लेते हैं अस्सी मिली सिमली इज़ एन इमेजिनेटिव कम्पेरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव समथिंग इन कॉमन अ सिमली ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ड एज और लाइक इस आपके पोएम में देखे हम तो बहुत सिमली का यूज़ किया गया है मतलब इसके जैसा है ठीक है मतलब कि क्लाउड uh, को कैसे किस तरीके से एक अलग तरीके से कंपेयर करना सिमली का मतलब कम्पेयर करना कम्पेरिजन एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कम्पेयर करना ठीक है मतलब जैसे ये कितना काला है कि जैसे कोयला ठीक है डार्क एज डार्क एज कोल तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल एज टॉल एज अ ट्री एज लवली एज अ फ्लावर तो ये क्या होता है सिमिली होता है ठीक है मतलब कि कंपेयर करना एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जैसे एज टॉल एज अ ट्री अरे इतना लंबा है कि ट्री के जितना लंबा है एज लवली एज अ फ्लावर इतना प्यारा जैसे कि फ्लावर जैसे फ्लावर कितने प्यारे होते हैं वैसे ही लवली है तो क्या किया गया है फ्लावर से कंपेयर किया गया है लवली को यहाँ पे ट्री से कंपेयर किया गया है किसी के लंबाई को टॉल को मेटोफर क्या है इस मेटाफर इज़ एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू सम एज अनदर पर्सन थिंग किसी भी चीज़ को किसी uh, दूसरी चीज़ से क्या करना इमेजिनेटिव तरीके से एक्सप्रेस करना उसकी क्वालिटी को देखना इट शोज दैट द पर्सन और थिंग हैज़ सम क्वालिटी ऑफ दैट अदर पर्सन और थिंग हम बोलते हैं ना कि uh, कोयल की इतनी मतलब कि मधुर आवाज़ होती है मतलब कि कोई चीज़ हम बोलते हैं कि शहद की तरह मीठा गुड़ की तरह मीठा तो हम यहाँ पे किसकी तरह उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी आवाज़ गुड़ की उसकी आवाज़ में गुड़ की तरह मिठास है मतलब आवाज़ को किस से कर रहे हैं गुड़ से ठीक है तो मतलब कि एक कंपेरिज़न उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि इतना मीठापन है उसमें कि क्वालिटी ठीक है क्वालिटी बता रहे हैं उसमें सो so, उसकी क्वालिटी है सो द वर्ड एज़ और लाइक आर नॉट यूज इन मेटाफर तो जैसे एज़ और लाइक तो हमने यूज़ किया किसके लिए सिमिली के लिए लेकिन मेटाफर के लिए यहाँ पे एज़ और लाइक यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे उसकी क्वालिटी बताई जा रही है फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन यहाँ पे उसे ही इज़ लाइक अ जेम नहीं बोला गया है जेम की तरह रत्न की तरह एक मतलब क्या होता है जेम क्या होता है हमें पता है बहुत ही इनवेल्यूएबल स्टोन uh, होते हैं जेम तो किसी इंसान को यहाँ पे जेम की तरह बताया गया है मतलब कि बहुत ही उसे यहाँ पे जेम की तरह बताया गया है बहुत ही वैल्यूबल पर्सन माना गया है बहुत ही टैलेंटेड माना गया है तो उसे कैसे बोला गया ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन जस्ट उसे एक जेम की तरह जेम ही बता दिया गया है उसकी तरह नहीं बताया गया है एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है टाइम इज़ मनी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है टाइम लाइक अ मनी टाइम लाइक मनी ऐसा नहीं बुलाया गया है टाइम इज़ लाइक मनी तो ये क्या हो जाएगा तो लाइक इज़ और सॉरी लाइक और एज़ तो सिमिली के लिए ही यूज़ होता है सिर्फ और यहाँ पर जस्ट टाइम को ही मनी बता दिया गया है कि टाइम ही क्या है हमारे लिए पैसे के पैसा ही है टाइम की कीमत मतलब पैसे के बराबर है बुक्स आर और फ्रेंड्स तो यहाँ पर बताया गया है बुक्स को हमारे फ्रेंड हैं फ्रेंड की तरह एज़ लाइक फ्रेंड नहीं ये यहाँ पे जस्ट बुक्स को हमारा फ्रेंड ही बता दिया गया है द क्लाउड्स आर वाइट शिप क्लाउड्स कैसे वाइट शिप जैसे हैं ठीक है मतलब कि एकदम उसकी क्वालिटी उसमें बता दी गई है यहाँ पे एज और लाइक like का यूज़ नहीं किया गया है ये होता है मेटाफर और जहाँ पे एज़ या फिर लाइक like इस तरीके से यूज़ किया गया हो और कंपेयर भी किया गया हो वो होता है सिमिली लेकिन यहाँ पे कंपेयर तो किया गया है लेकिन यहाँ पे एज और लाइक like का यूज़ नहीं किया गया है ठीक है सो तो ये होता है मेटाफर देर आर थ्री मेटॉफर्स इन द पोएम कैन यू फाइंड देम सो आपके पोएम में दिया गया है पहला तो ये है एन एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड सो यहाँ पे ऑटम को कैसा बताया गया है इवनिंग एन ऑटम इवनिंग ऑटम इवनिंग को कैसा बताया गया सॉफ्ट एंड माइल्ड बताया गया है ठीक है यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है तो ये क्या है मेटाफर सेकेंड क्या है अ ग्रीन एंड फ्लॉरी स्प्रे ठीक है अ ग्रीन एंड फ्लॉरी स्प्रे थर्ड है असी बिनीथ अ क्लाउडलेस सन सी को यहाँ पे कैसे बताया गया है क्लाउडलेस सन की तरह ठीक है अभिनीत है क्लाउडलेस सन सो ये तीनों हैं मेटाफर और हमने देखा है ऊपर पोएम में आपने पढ़ा होगा अच्छे से सो so, आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िए इसका इसको और जो मैंने इसका वीडियो बनाया है वो भी आज ज़रूर अच्छे से देखिए ठीक है सो आई होप कि आपको समझ में होगा अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए